ड्रामा सीरियल बेरंग में दुरदाना किसी भी तरह आयमा को अपने कमरे में ले जाती सुबह बाजी से बात करूंगी आयमा के साथ बिल्कुल ठीक हुआ शहय रात बार एमल को तसलियाँ देता रहता तुम अपनी अम्मी के घर मुझे छोड़कर ना जाना मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा यूं एमल का थोड़ा हौसला बढ़ जाता है तू सुबह होते ही दुरदाना बाजी से बात करती कोई ऐसा भी करता है अपनी नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़कर पहली बीवी के पास चले जाना फिर शादी की क्या जरूरत थी तो फाहरा आपकी बार इसे कहती मुझे पहले तुम पर बहुत गुस्सा है हाक मेहर के बाद अब ये सब कुछ एमल अब घर को वारस देने जा रही है एमल के पास जाना भी इसका बनता था एमल बे उलाद थी इसलिए दूसरी शादी का सोचा वरना मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की दुदाना तो बातें सुनकर हैरान हो जाती है अब मेरी बेटी का क्या होगा इसे जाकर क्या कहूँगी एमल जो मम्मी के बारे में जान चुकी है इतनी बड़ी शहरियार को धमकी दी और एमल मम्मी के सामने बात भी कर देगी आप अपने बेटे की खुशी के बगैर ऐसा कैसे कर सकती है आपने घर पर सब छीन लेने की धमकी दे दी फाहरा मायूस तो होगी दुरदाना और इसकी बेटी के अरादे सामने आना शुरू हो गए हैं दुरदाना ने इस घर पर राज करने के ख्वाब देखे इसलिए आप अपनी बेटी से कहेगी शह जिस तरह दौड़ा दौड़ा एमल के कमरे में गया इसी तरह तुम्हारे पास भी आएगा जब इसे पता चलेगा कि एमल बच्चे की खुशी नहीं दे सकती वो फिर तुम पर अपनी जान छिड़केगा इन माँ बेटी के पास अब ऐसी ही साजिशें रह गई हैं। शहरियार आयमा को एक नजर नहीं पाता जबरदस्ती से किए गए रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते और हकीकत एक दिन सामने जरूर आती है ये साफ कुछ दुर्दाना और इसकी बेटी को कौन समझाएगा इन माँ बेटी का अंजाम देखना ही बाकी रह गया है एमल को इसके किए की सजा मिल गई फरी की भी बारी आएगी और फाहरा हकी बकी रह जाएगी एनी पर इल्जाम लगाने की सजा फरी की सूरत में मिलेगी फाहरा ने अपने बेटों का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी आयमा अगली चाल कौन सी चलने वाली है अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़